वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूँ श्रद्धा पाटिल एंड आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये फेस्टिव मेकअप लुक, दिवाली मेकअप लुक। सो दिवाली अभी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, सो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। एकदम मिनिमल प्रोडक्ट से, अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप लोग भी ये क्रिएट कर सकते हो आपके दिवाली के फंक्शंस में एंड पार्टीज में। एंड हैप्पी दिवाली गाइस टू यू ऑल, एंड ये दिवाली आपके लिए काफ़ी अच्छी हो, आपके सबको काफ़ी अच्छा रखे, हेल्दी रखे। सो ये मेकअप लुक देखते हैं अभी, और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा, और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाती रहती हूँ। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मेरे फेस पे ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर विथ हाइलाइटर। ये काफी अच्छी क्रीम है गाइस। बाद में लगाऊंगी यहाँ पर ये ब्लू हेवन का लिप बाम। सो ये काफ़ी अच्छा सा बबल गम के टेस्ट वाला लिप बाम है, और ये काफ़ी अच्छा सा क्रीम है, आप लोग देख सकते हो। ये ओनली 55 रुपीज़ का है गाइस, सच में मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYFA का प्राइमर। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है एंड मेरे पास इसका सेकेंड वाला भी है। ये जो प्राइमर ये काफ़ी अच्छा ब्लर अप कर देता है ओपन पोर्स को, एंड ये काफ़ी अच्छा है अफोर्डेबल में। सो नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन। सो मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन। तो इसके अंदर SPF 25 PA++ है, जो कि आपको इसके लिए खास करके सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी सनस्क्रीन है। सो इसे हम लोग इस तरह से हाथ पे लेंगे एंड मैं इसे डॉट डॉट करके मेरे फेस पे लगाऊंगी। आप लोग देख सकते हो मैंने कम क्वांटिटी में फाउंडेशन लगाया है, बिकॉज आप एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन लेकर लगा दोगे सो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा, फिर ओवर हो जाएगा। आप एक बार लेयर लगा के फिर और एक बार लेयर लगा सकते हो। सो मैं मेरे बाल को थोड़ा सा बांध देती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं मुझे। अभी हम लोग लगाएंगे ब्लू हेवन का कंसीलर। ये एक्चुअली में मेरे बिल्कुल ही परफेक्ट शेड का है, या फिर थोड़ा सा डार्क ही समझ लो, ये है 401। सो इसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, और थोड़े बहुत पिंपल्स यहाँ पर हमें है वहाँ पर पिगमेंटेड एरियाज पे। एंड अभी मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का ये लाइट कंसीलर। तो ये जो है हाईलाइट कर देंगे हमारे जो भी मैं यहाँ पर कंसीलर लगाऊंगी अंडर आइज पे वगैरह। सो ये है इन द शेड 02। सो इसे लगाएंगे ब्रिज ऑफ द नोज, लिप्स एंड नोज के अराउंड अंडर आइज पे, दैट्स इट। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से ब्लैक। सो कंसीलर लगाने के बाद अभी इसे सेट करेंगे लूज पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करूंगी।
जहाँ जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया है उसे अच्छे से सेट करें गाइस, वरना कंसीलर क्रीज हो सकता है। सो नेक पे नहीं भूलना। हम लोग करेंगे कॉन्टोर। सो मैं यहाँ पर 2-in-1 कॉन्टोर स्टिक यूज करूँ, बट मैं इसमें का सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोर यूज करूंगी फेस को हल्का डायमेंशन देने के लिए। मैं हल्का नोज के ऊपर ब्रिज ऑफ द नोज कंसीलर लगाऊंगी थोड़ा सा। सो मैं यहाँ पर फेसेस कनाडा का 3-in-1 पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें का मैं ब्लश से कुछ इस तरीके से हमें लेना है एंड इसे डस्ट ऑफ करने एंड देन स्माइल एंड अप्लाई। अभी भी ऐसे नहीं, अपवर्ड में अप्लाई करना है। आपका भी ब्लश हल्का सा ज्यादा हो जाए तो ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे सेटल डाउन कर ले। सो ये मर्ज हो जाता है, कोई चिंता करने की बात नहीं है कि और ज्यादा हो गया। अरे ब्यूटी ब्लेंडर है हमारे पास, तो क्यों चिंता करनी है। सो नेक्स्ट है हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैं वही पैलेट में से यूज करूंगी। अगर आपके पास पेन ब्रश नहीं रहेगा सो डोंट वरी, जो भी हमारा ब्रश रहता है उसे इस तरीके से नहीं, उसे इस तरीके से यूज करना है। तो देखिए ऐसे नहीं, ऐसे एंड देन उसे कुछ इस तरीके से इसे इसके अंदर ले रहा है एंड देन काफी अच्छा लगता है। सो अभी करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज आर डन। सो अभी करेंगे आई शेडो। आई शेडो के लिए मेरे पास है यहाँ पर 3 पैलेट, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। एक है SFR का, एक है स्विस ब्यूटी का एंड ये वाला है मेकअप बाय सीरीज। सो ये मैंने शॉपी से मंगाया था बट शॉपी ऐप तो अभी बंद हो चुका है। बाद मैं SFR पैलेट में से मेरे ड्रेस के मैचिंग का ब्लू कलर यूज करूंगी। सो मुझे ज्यादा भी कलर नहीं चाहिए गाइस। इसे हम लोग मर्ज करेंगे। उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। सो उसके बाद लगाएंगे व्हाइट काजल। एंड उसके बाद लगाऊंगी मैं प्लम्प का ये काजल। एंड देन स्विस ब्यूटी में से ये वाला था जो ब्राउन शेड है वो मैं लेके लोअर लैश पे लगाऊंगी। और अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। सो इनसाइड की ये है 05 लिपस्टिक। दैट्स इट गाइस। सो मैं आ गई हूँ हेयर्स एंड बिंदी लगाकर। सो आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट कर। और भी वीडियोस लेके आऊंगी गाइस जरूर। सो थम्स अप फॉर दिस वीडियो, डू चेक आउट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच अ मोर वीडियोस।